अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर है बाराकू बाईपास जो फ्लाईओवर है उसके बारे में। कल जो है वो हादसे के बाद दोबारा काम शुरू हुआ था गार्डर जो है गिडर्स पर प्लेस करने का, और कल शाम तक ये जो आप पिलर देख रहे हैं इसके ऊपर चार जो गार्डर्स थे वो रख दिए गए थे। आज पांचवा जो गार्डर है उसको प्लेस करने के दौरान वो स्लिप हुआ है और वो चारों गार्डर जो हैं वो नीचे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये नीचे पड़े हुए हैं। अभी तक की जो इत्तलाआत है उसके मुताबिक अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा काम हो रहा है और वो स्लिप कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट जो है इस प्रोजेक्ट की उसको इसके ऊपर देखना चाहिए ये कैसे काम हो रहा है, वो जो क्रेन है उसके ऊपर से जो पांचवां गिडर्स जो है वो कैसे स्लिप हो गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज फिर ये बाराकू में हुआ है। अभी ये क्रेनें लगी हुई हैं उसका मलबा तोड़ने के लिए, गिडर्स नीचे गिरे पड़े हैं इसका, इसको तोड़ के तो फिर मलबा यहाँ से उठाया जाएगा। चार गटर प्लेस हो चुके थे, पांचवा रखने के दौरान वो चारों नीचे आ गए। अल्लाह पाक रहम फरमाए इस प्रोजेक्ट पर।